Good morning, students. So, in last class, we have completed a revision of chapter number 4th. Okay, subtractions up to 9. So, if any student is having any problem, any doubt, or if you can't solve that particular question, you can ask to me. Okay. Now, what we'll do today in this class? Today, in this class, we'll revise our next chapter. Okay, and our next chapter is chapter 5th, numbers up to 15. Okay, which is our chapter 5th, numbers up to 15. Okay, ki 50 tak numbers. Ab tak humne 9 tak numbers study kiye. 1 to 9. 1 O N E 1 T W O 2 T H R E E 3 F O U R 4 F I V E 5 S I X 6 S E V E N 7 E I G S T 8 N-I-N-E-9. Okay? 9 तक हम लोगों ने नंबर स्टडी किए. लास्ट में होता है T-E-N 10. ओके, वो हम लोगों ने स्टडी किए. नाउ व्हाट वी विल डू टुडे इन दिस क्लास, वी विल रीड नंबर्स आफ्टर 9. ओके, सो 10 इज अ टू डिजिट नंबर. 10 क्या है बेटा? टू डिजिट नंबर है. ओके, टू डिजिट 10, टू नंबर हो गए ना, 1 और 0. तो क्या है? 10 इज अ टू डिजिट नंबर, और 10 के आगे से टू डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे 10 के बाद आता है 1111. 11 क्या है? टू डिजिट नंबर. 1212. 1 और 2 क्या है? टू डिजिट नंबर. ओके, 10 9 प्लस 1 10. 9 प्लस 1 क्या होता है? 10 होता है. और 10 क्या है? 10 इज अ टू डिजिट नंबर. 10 क्या है? टू डिजिट नंबर है. ओके, जिसमें कि 0 वंस प्लेस होती है एंड 1 जो है वो टेंस प्लेस होती है. 10 में 0 वंस होता है और 1 टेंस होता है. ओके, 0 इज वंस प्लेस, 1 इज टेंस प्लेस. 10 में वंस प्लेस 0, वंस प्लेस 0 एंड टेंस प्लेस 1. ओके, जीरो में ये इधर से, मतलब वंस टेंस इस तरीके से स्टार्ट करते हैं. तो 0 है वो वंस है एंड 1 है जो टेंस है. ओके, 1111 में 1 इज वंस एंड 1 इज टेंस. ओके, सो स्टार्ट करते हैं नंबर्स फ्रॉम 11 टू 20. ओके, 1111 ई एल ई वी ई एन 11. 1212 T W E L V E 12. 1313 T H I R T E E N 13. 1414 F O U R T E E N 14. 1515 F I F T E E N 15. 1616 S I X T E E N 16. 1717 S E V E N T E E N 17. 1818 E I G S T E E N 18. 1919 N I N E T E E N 19. 2020 T W E N T Y 20. Exercise में 1111, 1212, 1313, 1414, 1515, 1616, 1717, 1818, 1919, 2020. Okay. फिर आता है कि एबेकस में हम नंबर्स को कैसे फिल कर सकते हैं. ओके, तो बेटा ये ओ लिखा है उसमें वंस प्लेस वाले फिल करते हैं, टी लिखा है वहां पे टेंस प्लेस वाले फिल करते हैं. ओके, आपको ये काउंट करना है, फिर इसके नीचे जितने हैं उतने लिखना है. ओके, कि 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हैं? 6. तो यहां आप 6 राइट डाउन कर दो. यहां कितने हैं? 1, तो यहां 1 राइट डाउन कर दो. 1 6 16. ओके, यहां 1 2 3, तो यहां 3 राइट डाउन कर दो.
यहां वन, तो वन राइट डाउन कर दो. वन थ्री थर्टीन. नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. यहां कितने? नाइन, तो नाइन राइट डाउन कर दो. यहां कितने? वन, तो वन राइट डाउन कर दो. वन नाइन नाइनटीन. ओके, देन आप इनके नंबर्स नेम राइट डाउन कर दो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नीचे थ्री लिखा हुआ है तो इसमें थ्री बीट्स फिल कर दो. वन टू थ्री. ओके, यहां वन लिखा हुआ है तो इसमें वन फिल कर दो. ओके, इसी तरह से इनमें आपको अबेकस में बीट्स फिल करने हैं. नेक्स्ट आता है कंपेयर कैसे करते हैं नंबर्स को. ओके, तो जैसे 12 बड़ा है या 18, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 12 बड़ा है या 18? 18, तो जो नंबर बड़ा होता है उसकी साइड वी का माउथ ओपन होता है. ओके, जो नंबर ग्रेटर होता है उसकी साइड वी का माउथ ओपन होता है, जो नंबर स्मॉल होता है उसकी साइड वी का माउथ क्लोज होता है. 14, 15, बड़ा कौन सा है? 15, तो 15 की साइड वी का माउथ ओपन, 14 की साइड वी का माउथ क्लोज. नेक्स्ट 16, 15 में से कौन सा ग्रेटर है? 16, तो 16 की साइड वी का माउथ ओपन एंड 15 की साइड वी का माउथ क्लोज होगा. ओके, 15, 7 बड़ा कौन सा है? 15, तो 15 की साइड वी का माउथ ओपन होगा, 7 के साइड वी का माउथ क्लोज होगा. क्यों? क्योंकि 7 जो है वो 15 से छोटा है. ओके, टर्न आउट योर पेज. असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब सीढ़ियों के ऊपर जाना. ओके, जो आपको ये ग्रुप दिया हुआ है ना, इसमें पहले आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर एट लास्ट सबसे बड़ा नंबर आपको राइट डाउन करना है. जैसे 20, 18, 11, 16. ओके, 20, 18, 11, 16, सबसे छोटा नंबर क्या है? 11, तो सबसे छोटा लिखेंगे. 11 से बड़ा क्या है? 16. 11 हो गया, 11 से बड़ा क्या है? 16, तो यहां 16 राइट डाउन करेंगे. ओके, 11 हो गया, 16 हो गया. 16 से बड़ा क्या है? 18, तो यहां 18 राइट डाउन करेंगे. एंड 18 से बड़ा क्या होता है? 20, तो यहां 20 राइट डाउन करेंगे. ओके, इसी तरह से आपको ये असेंडिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर जाते हैं, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा. ओके, सर्कल द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ईच ग्रुप. जो इन इस ग्रुप में सबसे बड़ा नंबर 16, 19, 12, 15, सबसे बड़ा जो नंबर है उसे सर्कल करना है. सबसे बड़ा कौन सा है? 19, तो उसे सर्कल कर दिया. नेक्स्ट आता है डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम हमेशा सीढ़ियों से नीचे आते हैं, कि हम सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा नंबर लिखते हैं. कि 15, 20, 19, 16 में सबसे बड़ा क्या है? 20, उससे छोटा 19, उससे छोटा 16 एंड सबसे छोटा 15. इस तरीके से हम अरेंज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ये ग्रुप है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर को आपको सर्कल करना है, कि 20, 12, 15, 9 में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर 9. ओके, नेक्स्ट नंबर्स फ्रॉम 21 to 30. 2, 1, 21, 2, 2, 22, 2, 3, 23, 2, 4, 24, 2, 5, 25, 2, 6, 26, 2, 7, 27, 2, 8, 28, 2, 9, 29, 3, 0, 30, 3, 1, 31, 3, 2, 32, 3, 3, 33, 3, 4, 34, 3, 5, 35, 3, 6, 36, 3, 7, 37, 3, 8, 38, 3, 9, 39, 4, 0, 40. ओके, 4, 1, 41, 4, 2, 42, 4, 3, 43, 4, 4, 44, 4, 5, 45, 4, 6, 46, 4, 7, 47, 4, 8, 48, 4, 9, 49, 5, 0, 15. ओके, उसके बाद आपको ये जो नंबर्स हैं, न्यूमरल्स जो हैं, उनको नंबर नेम में लिखना है. जैसे 3, 0, 30,
तो THIRTY 30, ओके मतलब स्पेलिंग्स आपको इनकी राइट डाउन करनी है. नेक्स्ट स्पेलिंग्स आपको दी हुई, आपको न्यूमरल्स राइट डाउन करने हैं, ओके. उसके बाद आपको ये जो डायग्राम है, इन डायग्राम्स को काउंट करना है और जहां पर ये मैच हो रहे हैं उस नंबर से आपको मैच करना है, ओके. देन एबेकस में कैसे फिल किया जाता है, ये मैंने आपको अभी अभी बताया. इस साइड में जितना लिखा होता है वो वंस के नीचे लिखा जाता है, इधर जितना भी होता है वो टेंस में लिखा जाता है, ओके. एंड देन इनका आपको नंबर्स नेम राइट डाउन करना है. फिर जैसे वंस और टेंस कैसे बताओगे, 3737 वंस क्या है 7, टेंस क्या है 3, 39 में 9 तो वंस 3 टेंस, 40 में 0 वंस 4 टेंस, ओके. इस तरीके से हम इन्हें राइट डाउन कर सकते हैं, ओके. नेक्स्ट प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू बेटा कैसे फाइंड आउट करोगे आप, जैसे वंस पर जो होता है ना उस नंबर को इंटू 1 करते हैं और जो टेंस पर होता है उस नंबर को इंटू 10 करते हैं. कि जैसे 3 है तो 3 इंटू 1 वंस पर, 3 है तो 3 इंटू 1 टेंस पर, 4 है तो 4 इंटू 10, ओके. ये तो होती है प्लेस वैल्यू. फेस वैल्यू 3 की प्लेस वैल्यू 3 ही होती है, 4 की प्लेस वैल्यू 4 होती है, 0 की फेस वैल्यू 0 होती है, 9 की फेस वैल्यू 9 होती है, 8 की फेस वैल्यू 8 होती है, ओके. फेस वैल्यू मतलब एज इट इज ही वही नंबर होता है, ओके. फिर आता है कंपैरिजन ऑफ नंबर अप टू 50. 50 तक नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है, ओके. तो जैसे हम लोगों ने कंपैरिजन अप टू 20 देखा था, वैसे ही कंपैरिजन अप टू 50 होता है. जो नंबर बड़ा होता है उसकी साइड वी का माउथ ओपन होता है, जो नंबर छोटा होता है उसकी साइड वी का माउथ क्लोज होता है. तो 31 एंड 28 बड़ा नंबर क्या है 31, तो 31 के साइड में वी का माउथ ओपन होगा एंड 28 के साइड में वी का माउथ क्लोज होगा. नेक्स्ट आती है रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर. जो ग्रुप दिया हुआ है उसमें स्मॉलेस्ट नंबर को आपको सर्कल करना है. रिंग द ग्रेटेस्ट नंबर, जो ग्रुप दिया हुआ है उसमें सबसे बड़े नंबर को आपको सर्कल करना है. नेक्स्ट ऑर्डरिंग ऑफ नंबर. फर्स्ट में आपको असेंडिंग ऑर्डर मतलब सीढ़ियों के ऊपर पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा लिखना है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा नंबर आपको राइट डाउन करना है. नेक्स्ट सेम वही अबेकस है आपके पास, ओके. आपको ऐड करना है फर्स्ट में 18, सेकंड में 22. ऐड कैसे करोगे, 18 एंड 22 पहले वंस वाले ऐड करके वंस में लिख दोगे एंड टेंस वाले ऐड करके टेंस में राइट डाउन कर दोगे, ओके. सिंपल एडिशंस हैं. नेक्स्ट है एक्सटेंडेड फॉर्म एंड सॉरी एक्सटेंडिंग नंबर एंड एडिशन. नंबर्स को कैसे एक्सटेंड किया जाता है, ओके. आपको जो नंबर दिया जाता है जैसे 36, ओके. तो 36 को आपको वंस और टेंस में लिखना है, ओके. 36 वंस तो हो गया 6, टेंस हो गया 3. 12 में वंस तो हो गया 2, टेंस हो गया 1. फिर इनको ऐड कर लो, 6 प्लस 2 8, 8 वंस और 3 प्लस 1 4, 4 टेंस, ओके. इन मतलब 4 8 48, 4 हो गया टेंस एंड 8 हो गया वंस. इस तरीके से हम वंस एंड टेन मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म में कर सकते हैं. देन हमारे पास एडिशन है विद कैरिंग एंड विदाउट कैरिंग, ओके. जो कि मतलब ऐड करना है, डायरेक्ट एडिशंस हैं, ओके. नेक्स्ट सेम एज इट इज वही आ रहा है, सब्ट्रैक्शन है, ओके. जो कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं, यहां पर भी वही सब्ट्रैक्शन है. एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखो 36 के एक्सटेंडेड फॉर्म 6 इज वंस 3 इज टेंस, 13 के एक्सटेंडेड फॉर्म 3 इज वंस 1 इज टेंस. अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 माइनस 3 3 वंस, 3 माइनस 1 2 टेंस, ओके. तो 2 3 23 हो गया, ये क्या हो गया सब्ट्रैक्शन हो गया, ओके. देन सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग एंड विद बोरोइंग है, ओके. देन रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, कि जब हम 14 प्लस 18 इक्वल्स टू 32 होता है तो 32 माइनस 18 इक्वल्स टू 14 एंड 32 माइनस 14 इक्वल्स टू
18 आंसर आता है. ओके कि 19 प्लस 31 अगर 50 होता है तो 50 माइनस 31 इक्वल्स टू 19 एंड 50 माइनस 19 इक्वल्स टू 31 आंसर होता है. ये इनके बीच में रिलेशन होता है. फिर आती है हमारे पास स्टोरी प्रॉब्लम. अगर आपको टोटल नंबर फाइंड आउट करना है तो आपको ऐड करना होता है, और अगर आपको लेफ्ट पूछा हुआ है कि कितने बचे हुए हैं तो आपको माइनस करना होता है. ओके एंड यहां कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 5. ओके सो अगर किसी स्टूडेंट को इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, कहीं समझ नहीं आता है, तो आप पूछ सकते हो. ओके